पिंपरी चिंचवड मनपा चुनाव के लिए वार्ड रचना के अलग नक्शे, एकीकृत नक्शा व उसमें शामिल इलाकों की जानकारी देने वाले बैनर्स मनपा भवन सहित सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में मंगलवार की सुबह जारी किए गए। पिंपरी चिंचवड मनपा की www.pcmcindia.gov.in वेबसाइट पर नक्शे व जानकारी देखी जा सकती है। वार्ड रचना को लेकर शिकायतें एवं सुझाव लिखित रूप में प्रत्यक्ष पेश करने होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 3 सदस्यों की वार्ड रचना जारी कर उसके बारे में शिकायतें एवं सुझाव मांगने और उस पर सुनवाई का कार्यक्रम शुक्रवार को घोषित किया। पिंपरी चिंचवड नगर निगम के आम चुनाव के लिए मसौदा वार्ड संरचना की घोषणा की गई। नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय और 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में वार्ड संरचना के नक्शे का मसौदा आज जारी किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की पृष्ठभूमि पर भीड़भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन नक्शे देखने की सुविधा उपलब्ध है। वार्ड संरचना का मसौदा जारी करने के बाद 1 से 14 फरवरी के बीच लोगों से आपत्ति सुझाव मंगाए जाएंगे। प्राप्त आपत्ति सुझाव 16 फरवरी को आयोग को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद इन पर 26 फरवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अधिकृत अधिकारियों के द्वारा की गई सिफारिशों को 2 मार्च को चुनाव आयोग को भेजना होगा। राज्य चुनाव आयोग की सचिव किरण कुंदकर ने ये मसौदा वार्ड संरचना का कार्यक्रम नगर निगम को भेजा है। इसके अनुसार नगर निगम प्रशासन की ओर से कल की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निगम के मौजूदा नगर सेवकों का 5 साल का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तक निगम में प्रशासक नियुक्ति होगी या फिर मौजूदा नगर सेवकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव 3 सदस्यीय प्रणाली से होने जा रहा है। नगर प्रशासन ने 13 जनवरी को एक द्विस्तरीय वार्ड के गठन के लिए आयोग को एक कागजी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सदस्यता एवं आरक्षण की गणना, क्षेत्र एवं सीमाओं का विवरण, निर्वाचन वार्डों में सम्मिलित प्रगणक समूह एवं जनसंख्या, प्रगणक समूह वार सूचना, अनुसूचित जाति का वार्ड वार अवरोही क्रम, सदस्यों का समग्र विवरण एवं आरक्षण प्रमाण पत्र वार्ड गठन के संबंध में पेश किए जाने वाले प्रमाण पत्र आदि जानकारी इस प्रस्ताव में शामिल है। शहर की आबादी 17,27,692 है। पार्षदों की संख्या 139 है। इन 139 पार्षदों में से 69 पुरुष और 70 महिला पार्षद होंगी। 114 सीटें ओपन कैटेगरी की होंगी। इनमें से 57 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। 22 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। इसमें 11 महिलाओं और 11 पुरुषों के लिए सीटें होंगी। ऐसे 3 सीटें 2 महिलाओं और 1 पुरुष के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव में कुल 46 वार्ड होंगे। इसमें 3 सदस्यों के 45 वार्ड और 4 सदस्यों का 1 वार्ड होगा। वार्ड आपले 46 वार्ड आहेत। 45 वार्ड आहेत ते 3 सदस्य आहेत आणि 1 वार्ड आहे 4 सदस्य आहेत। आपली एकूण नगर सदस्याची संख्या आहे 139। त्याच्या पद्धतीने आपले हे वार्ड रचना केलेली आहे। कार्यक्रम साधारणतः आज आपण वार्ड रचना जाहीर केलेली, जे नकाशे आहेत ते प्रसिद्ध केलेले आहेत। नकाशे आपण आपल्या हेड ऑफिसला, प्रभाग कार्यालय आणि आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेले आहेत। आजपासून आपण हरकती स्वीकारणार आहे। 14 तारखेला 3 वाजेपर्यंत हरकत स्वीकारणार आहे। ज्या कोणाला त्याच्याबाबत काय ऑब्जेक्शन असतील तर ते आपल्याला लिखित देऊ शकतात इथं।